जो सो कॉल्ड आपका बॉलीवुड जो बात बात पे उछलते हैं, बात बात पे झंडियां ले लेके सामने आ जाते हैं और तानाशाही की बातें करते हैं। तानाशाही सामने हो रही है, बंगाल में दिख रही है तानाशाही, किसे कहते हैं, वो किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। और आपके जो सो कॉल्ड लिबरल हैं और जो बड़े जागरूक पत्रकार हैं, उनके मुंह जैसे कोई गोंद से सिल दिए हो, सबके फेविक्विक लग गया है। किसी दिन आप कहेंगे कि फलानी पेशेंट के साथ या फलानी महिला के साथ बदतमीजी हो गई, तो आप कहेंगे कि साहब महिला डॉक्टर क्यों नहीं लगाते, एक क्या पौड़मपने की बातें हो रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर गुस्से में आपके अगली बार जब आपने नितंब उघाड़े इंजेक्शन लगाने के लिए, तो कोई ऐसी जगह सुई लगा दे कि पूरी बची हुई जिंदगी आप एक डोनाल्ड डक की तरह चले। जो डॉक्टर पूरी जिंदगी बैलेंस डाइट की कहानी सुनाते ना पेशेंट को, वो बेचारे एक समोसा एक कचोरी में अपना पूरा 24 घंटा चलाते हैं। क्या ये मॉरल जो बोझ जो हमारे सर पे रख रहे हो, क्या ये पुलिस की छाती पे नहीं होना चाहिए? क्या ये सत्ता की छाती पे नहीं होना चाहिए? क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस करंट समाज में सिर्फ डॉक्टर की? अभी वो समय आ गया है क्योंकि नए बच्चे हैं, सब कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, आजकल तो इंटरनेट और है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनको सबको ये समझना चाहिए कि दे मस्ट हैव समथिंग ऑन देयर पर्सन फॉर सेल्फ डिफेंस एंड दे शुड बी रेडी टू हिट बैक एट वाइटल पॉइंट्स इफ दे थिंक दे आर अटैक्ड, देयर मॉडेस्टी और देयर लाइफ इज इन डेंजर, दे मस्ट डू इट। वहाँ का जो शासन तंत्र है और जो सत्ता तंत्र है, वो हैंड इन ग्लव काम कर रहे हैं, और सत्ता के जो शीर्षस्थ लोग हैं वो शासन तंत्र और सुरक्षा तंत्र को ये मैसेज है कि किसी भी तरह से इसको रफा दफा इस मामले को करना है। आप कह रहे हैं कि लेडी डॉक्टर को रेजिडेंट को नाइट ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, और ये एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर हैं, ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं ये सलाहकार हैं, ऐसे महान सलाहकार रखे हुए, फिर क्या कौन करेगा ड्यूटी? आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक आदमी से 36 घंटे 48 घंटे काम कराऊंगा, उसको हर तरह से उससे काम लिया जाएगा और फिर बाद में उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तू कुछ मांग भी मत, मतलब किसी को, ये तो ऐसा हुआ किसी को कोड़ा मारा और उससे कहो तू चीख भी मत। हमें इस देश ने गर्व करने के लिए बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें उन मुद्दों पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए जो हमें पीछे लेके जा रहे हैं। जब करोड़ों महिलाएं भय से मुक्ति का आनंद नहीं ले पाती, जब वह रोजमर्रा के जीवन में असुरक्षित महसूस करती हैं, तो उनके लिए स्वतंत्रता शब्द का क्या महत्व है? कोलकाता के आरजी अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई अत्याचार को लेकर देश भर में आक्रोश है। सभी लोग आरोपी की कड़ी सजा के लिए निंदा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मात्र एक ड्यूटी नहीं डॉक्टर का और मर्डर नहीं, ये करोड़ों लोगों के विश्वास का रेप है और लाखों लोगों की उम्मीदों का मर्डर है। ये खून हिंदुस्तान की हर एक बेटी के भरोसे का खून है। ये बलात्कार के साथ सभ्य नागरिकों के सामाजिक व्यवस्था में विश्वास का बलात्कार है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तुषार, इनसे जानेंगे कि सर आप हमें बताएं कि जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो इतने नाराज क्यों हैं, क्या कारण है? पहली बात तो ये कि सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर नाराज नहीं है, सभी डॉक्टर नाराज हैं। रेजिडेंट डॉक्टर तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, जितने भी डॉक्टर्स हैं सब नाराज हैं, और नाराजगी का उनके पास बहुत बड़ा कारण है। और सिर्फ नाराज बहुत हल्का शब्द है, आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं, हताश हैं, आवेश में हैं और अंदर तक हिले हुए हैं, क्योंकि एक आप जब निर्भया का केस हुआ था तो कुछ निर्लज्ज लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि वो लड़की रात पे सड़क पे रात को अकेली निकली क्यों थी। अब इस समय क्या हुआ, इस समय तो वो एक जिम्मेदार डॉक्टर की तरह अपनी ड्यूटी निभा रही थी, उसको ड्यूटी ऑन ड्यूटी रेप और मर्डर किया गया है, गैंग रेप शायद खबर आ रही है, गैंग रेप और मर्डर किया गया है, और पूरी एक व्यवस्था है वो, उसने सिर्फ इतना नहीं है कि आपने सिर्फ एक रेप और मर्डर हो गया और आप उसको एक आम क्राइम की तरह उसको आप टाल दें। स्थिति ये है कि वहाँ का जो शासन तंत्र है और जो सत्ता तंत्र है, वो हैंड इन ग्लव काम कर रहे हैं, और सत्ता के जो शीर्षस्थ लोग हैं वो शासन तंत्र और सुरक्षा तंत्र को ये मैसेज है कि किसी भी तरह से इसको रफा दफा इस मामले को करना है। सब लोग जानते हैं क्या हुआ है, आपने 3 घंटे तक पेरेंट्स को खड़ा किया है, उनको आपने बॉडी नहीं दी, उसके बाद में फिर आपने क्या कहा, आत्महत्या हुई है। एक सेकेंड ईयर MBBS के लड़के में इतनी बुद्धि होती है कि वो बता सकता है कि होमिसाइड क्या है, सुसाइड क्या है, डेथ क्या है, नेचुरल डेथ क्या है। आपने इसको अननेचुरल डेथ, पहले तो आपने उसका केस ही रजिस्टर नहीं किया, जब केस रजिस्टर किया तो आपने अननेचुरल डेथ का, ये अननेचुरल डेथ है, उसकी इतनी हड्डियां टूटी हुई है, देख के कोई कह सकता है कि ये सब क्लियर कट मर्डर है, उसको आप कह रहे हैं कि अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर कर रहे हैं। फिर आप पेरेंट्स को कह 3-3 घंटे तक इंतजार करा रहे हैं, और फिर कितना हश दबे प्रोसेस की तरह से आपने उसको जल्दी से जलवाया, सब जानते, कल शमशान की शायद, शमशान का जो काम करते हैं उन कर्मचारी का इंटरव्यू आ रहा था टीवी के ऊपर, वो कह रहे हैं 3 बॉडीज और वेट कर रही थी, उसके पहले ला करके इसको बर्न किया गया, क्योंकि बॉडी ऑफ एविडेंस, द डेड बॉडी इज द बॉडी ऑफ एविडेंस।
तो ये और उसके ऊपर से उसके बाद क्या हुआ है कि ये नहीं जान रहे लोग, आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या एक्शन नहीं लिया, और उस सब का ठीक रहा आपने स्टूडेंट्स के ऊपर डाल दिया। क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो भी कॉलेज के अंदर हुआ वो सारा स्टूडेंट्स के किया हुआ है, कोई बाहर का लोग नहीं थे। पुनीत, इससे ज्यादा बौड़मपने की और मानसिक दिवालियापन की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। आपको पता है कोई भी स्टूडेंट, मैं भी जिस कॉलेज से पढ़ाऊं, एनी मेडिकल स्टूडेंट फॉर दैट सेक, अल्मा मैटर मानते हैं हम उसको, मात्र संस्था, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जहां से हम पढ़ते हैं, जहां से हम सीखते हैं। दस साल बाद हम लोग वहां अपने मित्रों से मिलने के लिए जाते हैं, उन टीचर्स से मिलने के लिए जाते हैं, वो हमारे लिए एक पवित्र स्थल होता है, तीर्थ की तरह होता है हमारा कॉलेज जहां से हम। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वो स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज को तोड़ा होगा? जिस कॉलेज में, जिस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? मेरी साइकोलॉजी इतनी क्रुकेट होगी। और मैं, और सबसे पहले वो भीड़ जो 5-7 हज़ार लोगों की आई, उसने सबसे पहले डॉक्टरों का मंच ही तोड़ा था। मतलब मैं, अगर मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ और मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने प्रदर्शन का नहीं, छात्रों को ही मारूंगा पीटूंगा, और फिर उसके बाद अपनी मातृ संस्था को तोड़ दूंगा। ये इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात नहीं हो सकती जो कही जा रही है। टीएमसी के सांसद का ये भी कहना है कि रात को महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा है, अगर आप सड़क पे जा रहे हो, आप पैदल सड़क पे किनारे चल रहे हैं, आपको कोई गाड़ी से उड़ा दे, तो कल को हम ये वक्तव्य दे देंगे कि आपको जब सड़क पे व्हीकल चलते हो उस टाइम नहीं निकलना चाहिए। ये आज इस 2024 में आप ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लेडी डॉक्टर को, रेजिडेंट को नाइट ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, और ये एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर हैं, ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं, ये सलाहकार हैं, ऐसे महान सलाहकार रखे हुए हैं, फिर क्या कौन करेगा ड्यूटी? क्या कोई जानता है कि रेजिडेंट डॉक्टर कितनी ड्यूटी करते हैं? क्या किसी को ये पता है वो कितने घंटे काम करते हैं? क्या किसी को पता है गायनी डिपार्टमेंट में कितनी डिलीवरीज होती हैं, कितने सीजरन होते हैं, सर्जरी में कितने होते हैं, न्यूरोसर्जरी में कितनी इमरजेंसीज आती हैं? किसी को पता भी है ये बात कि किस तरह की स्थितियों में डॉक्टर्स काम करते हैं? और आप कह रहे हैं कि नाइट ड्यूटी ना करें, फिर कौन करे? मेल डॉक्टर ड्यूटी करेगा, और फिर किसी दिन आप कहेंगे कि फलानी पेशेंट के साथ या फलानी महिला के साथ बदतमीजी हो गई, तो आप कहेंगे कि साहब महिला डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? एक क्या बौड़मपने की बातें हो रही हैं सभ्य समाज के अंदर पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि लेडी डॉक्टर नाइट ड्यूटी ना करें। लेडी डॉक्टर की डिलीवरी कौन करेगा? एपिसियोटमी कौन करेगा? डिलीवरियां कौन करवाएगा वहां पे? 90% गायनी डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल डॉक्टर्स ही होती हैं, और आज डॉक्टर के साथ हुआ है, कल को किसी नर्स के साथ होगा, किसी और किसी हॉस्पिटल स्टाफ के साथ होगा। और पुनीत, मुझे तो नाराजगी सिर्फ ये नहीं है कि नाराजगी सिर्फ सीमित मेरी सिर्फ सत्ता और जो सुरक्षा तंत्र जैसे पुलिस तंत्र कहते हैं उससे नहीं है, मेरी नाराजगी मीडिया से भी है, और मीडिया से इस बात को लेकर है। बार-बार ट्रेनी डॉक्टर, वो ये टर्म आप कहां से लेके आए? ट्रेनी डॉक्टर, आफ्टर MBBS अ पर्सन इज अ फुल ब्लोन डॉक्टर, वो उसके बाद रेजिडेंसी इज एन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, शी वाज अ फुल ब्लोन डॉक्टर। ट्रेनी डॉक्टर शब्द यूज करके आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा डॉक्टर जो ट्रेनिंग ले रहा था? जी नहीं, वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहे थे, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, द फुल ब्लोन रेजिडेंट डॉक्टर। ट्रेनी डॉक्टर क्या वर्ड होता है? अब उसको डायल्यूट करना है किसी भी तरीके से। ये सब न्यूज, कल एक न्यूज आ रही है कि मुरादाबाद में एक डॉक्टर ने नर्स के साथ रेप कर दिया, अरे सर पीट लेने की इच्छा करती है, वो डॉक्टर ही नहीं है जिसकी न्यूज आप दिखा रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि 78 साल हो चुके आजादी को, फिर भी आज भी महिलाओं को आज़ादी नहीं है? देखा जाए कि जब भी वो बाहर निकलती हैं तो वो यही सोचती हैं कि कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा, कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। आत्मावलोकन की बात है। आप मुझे जो बार बार जिस बात पे गुस्सा आ रहा है और क्रोध आ रहा है, वो इस बात पे आ रहा है कि जो सो कॉल्ड पुलिस तंत्र है, जो कि बचाने की कोशिश साफ साफ दिख रहा है, पहले आत्महत्या बताने की कोशिश करी, फिर अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर किया, वहां के प्रिंसिपल भी हजार तरह की उंगलियां उठ रही हैं, पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रिंसिपल ऑफ एन इंस्टीट्यूट इज लाइक अ फादर टू द चिल्ड्रन, वो उन्होंने अपना कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। हो सकता है कुछ और इस मामले के अंदर बहुत सारी लेयर्स निकलेगी मैटर की, लेकिन मुझे जिस बात का क्रोध है, ये जो सो कॉल्ड आपके पुलिस के अंदर लोग हैं, या जो भी सत्ता पक्ष के अंदर जो लोग हैं, जो कि डॉक्टर्स को अपोज कर रहे हैं और इसको राजनीति से प्रेरित मान, क्या उनके घर में बेटियां नहीं हैं क्या? वो अपने घर जाके अपनी 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल की बेटी की आंख में देखते होंगे तो उनको शर्म नहीं महसूस होती होगी? उनको घिन नहीं आती होगी खुद से? उनको ये नहीं लगता होगा कि उनके खून में खून की जगह केंचुए रेंग रहे हैं उनके? उनको क्रोध नहीं आता है? इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या ये नहीं सोचते कि हमारी बच्ची थी? ये नहीं सोचते हैं हमारी बहन थी? ये नहीं सोचते हमारे घर की स्त्री थी? ये किस तरह का नाकारा तंत्र विकसित किया है? पूरा देखा जाए कि आए दिन हमें इस रेप की घटना का
सुनने को मिलता है, कभी किसी बच्ची का मर्डर का सुनने को मिलता है। तो आप इस पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या एक डॉक्टर के साथ जो हुआ उस नज़रिए से देखते हैं, या पूरे भारत की बेटियों के हिसाब से देखते हैं कि हर एक बेटी के नज़रिए से देख रहे हैं कि कल को कोई मेरे घर में भी बेटी है उसके साथ भी ऐसा नहीं जो, इसलिए मैं आगे आ। आइडियली तो ये हर बेटी के ऊपर, हर बेटी को आज खतरे में है, सच्चाई यही है। और इसके लिए सभ्य समाज को एक अपना एक खुद का मानस बनाना पड़ेगा, स्वयं एक डिसीजन लेना पड़ेगा, सभ्य समाज को निर्णय लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इसे जिम्मेदार कौन हो है? जिम्मेदार देखिए अभी तो जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसके ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मैटर को लिया। वरना तो हम जानते ही हैं कि भारत में राजनीति की हालत तो ये है कि कोई तो कहता है कि लड़कियों लड़ सकती हैं और उनकी जुबान ऐसी सिल जाती है कि कोई पूछने भी नहीं आता है। और क्यों हालत ये है राजनीति की? जैसे अभी आपने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हर नवरात्रों पर हम कन्याओं की पूजा करते हैं, एक तरफ हम उनके माता का देते हैं कि ये माता है हमारी, महिलाओं को ये कहते हैं कि हमारी दुर्गा माता है, ये माता है, और उन्हीं के साथ ये घटनाएं आए दिन सुनने को। हाँ, क्योंकि समाज में, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, नेता कौन होता है, राजनीतिक कौन होता है, वो एक तरह से समाज का नेतृत्व करता है। तो समाज का नेतृत्व करने वाले लोग भी अपनी सहूलियत के हिसाब से मुंह खोलते हैं। अगर उनकी राजनीति को सूट करता है तो वो बोलते हैं। अगर किसी और प्रदेश में बलात्कार होता है, किसी और प्रदेश में स्त्री के ऊपर कुछ अत्याचार होते हैं तो तुरंत से बोलेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति को सूट करता है। लेकिन यहाँ पे उनकी राजनीति को नहीं सूट कर रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक पढ़ी लिखी डॉक्टर, ऑन ड्यूटी डॉक्टर, रात को ड्यूटी रूम के अभाव में वो वहाँ सेमिनार हॉल के अंदर थी या वहाँ मारी गई या कहीं और मार के उनके शव को लाया गया, जो भी हुआ, लेकिन इतनी भयावह घटना घट जाती है और आपके मुँह सिले हुए हैं। जो सो कॉल्ड आपका बॉलीवुड जो बात बात पे उछलते हैं, बात बात पे झंडियां ले लेके सामने आ जाते हैं और तानाशाही की बातें करते हैं। तानाशाही सामने हो रही है, बंगाल में दिख रही है तानाशाही, किसे कहते हैं, वो किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। और आपके जो सो कॉल्ड लिबरल हैं और जो बड़े जागरूक पत्रकार हैं, उनके मुंह जैसे कोई गोंद से सिल दिए हो, सबके फेविक्विक लग गया है। आपको क्या लगता है कि क्या होगी आगे कार्रवाई? क्या आप लोग केंद्र सरकार से कोई मांग कर रहे हैं कि भैया हम लोग ऐसा नहीं तो हम लोग सारे के सारे डॉक्टर्स? देखिए साहब, पहली बात तो डॉक्टर अपनी ओर से पूरा विरोध जता रहे हैं। जयपुर में भी इतनी बड़ी रैली हुई थी, हम लोग काम रोक के बैठे हुए हैं, हड़ताल है, फोर्डा ने हड़ताल कर रखी है, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखी है, और वो सही कर रखा है उन्होंने। क्योंकि समस्या क्या है कि हमारे समाज में डॉक्टर जो एक सॉफ्ट टारगेट है सिद्धांत रूप से, उसका कारण है, आप मेरे पास अगर आते हैं तो कहते हैं मुझे फला बीमारी है, फला सिम्टम है, तो मैं आपके सिम्टम को सुनता हूँ। मेरी सोच क्या है, मेरी समझ क्या है, मेरे पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या है कि या तो मैं आपकी बीमारी को ठीक करूँगा या मैं आपकी बीमारी को कम करने का जो प्रयास हो सकता है वो करूँगा। ये मेरी ट्रेनिंग है, मैं सामने वाले की पीड़ा को कम करना चाहता हूँ, ये मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ये मेरी शपथ है, ये मेरा धर्म है। और ये मैं तब भी करता हूं कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर किसी जेल के अंदर है और कोई दुर्दांत कैदी भी उसके सामने लाया जाता है और वो बीमार होता है, उसका भी इलाज करता है, क्योंकि वो अपनी शपथ और अपने धर्म के साथ सगा होता है। क्या पुलिस की ऐसी कोई शपथ नहीं है? क्या सत्ता तंत्र की ऐसी कोई शपथ नहीं है कि जिस लोगों ने उन्हें वोट करके कुर्सी पर बिठाया वो उसकी रक्षा करे? क्या पुलिस या सुरक्षा तंत्र की ऐसी कोई शपथ नहीं है कि कोई अपराध का मामला उनके सामने आए तो उसकी निष्पक्ष जांच करे और वो कल्प्रिट को पकड़े? या वो झूठ झूठ फैलाएंगे कि आत्महत्या हो गई थी और वो उल्टे सीधे एविडेंस डिस्ट्रॉय करेंगे और रास्ता सेफ पैसेज दिया गया उन लोगों को जिन्होंने 7,000 लोगों ने जो 5-7,000 की भीड़ ने जो डिस्ट्रॉय किया है पूरे कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को डिस्ट्रॉय किया है, उसको रास्ता दिया? तो समाज को ये प्रश्न उन लोगों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर है सॉफ्ट टारगेट, डॉक्टर बात पर भरोसा करता है, डॉक्टर पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर डॉक्टर वैसी हरकतें करने लगे जैसा सत्ता तंत्र कर रहा है, जैसा सुरक्षा तंत्र कर रहा है, तो उसका अर्थ ये होगा कि आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो आप इस डर के साथ जाएंगे कि डॉक्टर मेरी बीमारी को बढ़ा भी सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर गुस्से में आपके अगली बार जब आपने नितंब उघाड़े इंजेक्शन लगाने के लिए तो कोई ऐसी जगह सुई लगा दे कि पूरी बची हुई जिंदगी आप एक डोनाल्ड टक की तरह चले। डॉक्टर भी क्रोध में आ सकता है, डॉक्टर भी गुस्सा कर सकता है, लेकिन डॉक्टर हर हाल में, हर स्थिति में अपने मरीज को ठीक करने की कोशिश करता है, रोगी को ठीक करने की कोशिश करता है। जिस हिसाब से देखा गया है कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट कर रहे हैं उनको पुलिस नोटिस भी भेज रही है। नो, आप सोचिए, एक दो नहीं, शायद सुनने में आ रहा था हजार के ऊपर नोटिस भेजे। आपका काम नोटिस भेजना है, पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर लो, नोटिस भेजने का काम है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे लोग, एक हमारे सीनियर डॉक्टर हैं जिन्होंने सिर्फ ये प्रश्न उठाए हैं
कि ये सुरक्षा का जो उनका तरीका है जांच का और जो उनके मेन अधिकारी हैं उनके ऊपर सिर्फ प्रश्न उठाएं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं 70-75 साल के, उनको नोटिस भेज दिया, उनको बुलाया जा रहा है। इवन सुनने में आ रहा है कुछ समझदार पॉलिटिशियन भी हैं जिन्होंने इस पर क्वेश्चन उठाया था, जिनकी आत्मा जाग उठी है, उनको भी नोटिस भेजा जा रहा है। पुलिस, आप बताइए पुलिस का काम क्या है? अगर आप कहीं चोरी होगी, आप पुलिस को जाके बताएंगे चोरी हो गई, तो पुलिस चोर को पकड़ेगी? या जो कहेगा कि पुलिस चोर को नहीं पकड़ रही या देखो देखो वहां चोर है, उस व्यक्ति को नोटिस भेजेगी? ये तो मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं फेक न्यूज तो नहीं ज्यादा जारी, ऐसा इस कारण नोटिस आ रहे हो? सोशल मीडिया पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, ये मूल सोशल मीडिया के अंदर जो कमी है वो एक कमी यह है कि सोशल मीडिया में जो भी व्यक्ति चाहे वो जैसे ही बात बोल सकता है, लिख सकता है, ये एक समस्या है। तो उसमें हो सकता है किसी ने कुछ भावातिरेक में आके कुछ कह दिया, गलत सही अच्छा बुरा, बहुत से सोशल मीडिया पे इस तरह के अखबार भी चलते हैं, इस तरह के खुद के लोगों के यूट्यूब चैनल्स चलते हैं और वो ऐसी 50 चीज़ें उसमें लेते हैं। लेकिन मेरा वापस प्रश्न वहीं आता है, मूल कर्तव्य क्या है? आप मेरे पास आए, अगर आप बीमार हैं तो मैं आपकी बीमारी ठीक करूँगा, या फिर मैं कोई आपने कोई गलत कार्य पहले किया था उसके ऊपर उस व्यक्ति को नोटिस भेजूंगा कि आपने इनको सिगरेट क्यों दी, इनको तो ब्रोंकाइटिस हो गया, अजी मैं पहले आपको ठीक करूंगा ना, वो सब चीज़ बाद में होती रहेगी। और इससे प्राप्त क्या हो रहा है? क्या आप इससे जांच में कोई सहूलियत मिल रही है क्या? रेजिडेंट डॉक्टरों की मूल समस्याएं क्या आती हैं? रेजिडेंट डॉक्टर की सबसे बड़ी मूल समस्या ये है कि जो स्वयं डॉक्टर नहीं है, क्या जिसने एक रेजिडेंट डॉक्टर की जिंदगी नहीं जी वो उनके लिए निर्णय लेते हैं? अभी भी क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर्स की पीड़ा है, डॉक्टर की समस्या है, उसको लेके कौन निर्णय ले रहा है? एयर कंडीशनड कंफर्टेबल कमरों में गद्देदार कुर्सियों पर बैठे लोग जिन्होंने जिंदगी में रेजिडेंसी करी नहीं, जिन्होंने कोई MDMS नहीं किया, सुपर स्पेशलिटी तो भूल जाए, वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कि एक डॉक्टर बनता कैसे है, एक डॉक्टर जीता कैसे, निहायत और हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो चूंकि नई बिल्डिंग है, नए स्ट्रक्चर है, तो फिर भी वहाँ थोड़ी साफ सफाई और बेसिक एमिनिटीज है। कल हमारी जो मीटिंग हुई इसमें डिस्कस हो रहा था, तो वहाँ ये डिस्कशन हो रही थी कि अब CISF लगा दी जाए और ये कर दी जाए, तो वहाँ पे एक बच्ची ने उठ के बोला कि सर हमारे तो टॉयलेट्स में कुंडी भी नहीं है, तो आप तो CISF और आपका बस चले तो पता नहीं क्या रॉ और IB लगा दो। आप बेसिक कभी कोई जा करके, आप एक बात बताइए, नेता लोग अस्पताल में जाते कब है? सिर्फ दो बार जाते हैं, पहला जब कोई ना कोई त्रासदी होती है, तो मास कैजुअल्टी हो गई या कोई मास इवेंट हो गया, कोई फूड पॉइजनिंग, कहीं कोई गिर गए, जल गए, लग गई, तो वो तब नेताजी चले जाएंगे। और क्यों जाते हैं? वो वहाँ अपना फोटो ऑप्स करने जाते हैं और वहाँ धमकाने जाते हैं, थोड़ा बहुत दिखाएंगे, डॉक्टर्स के ऊपर चिल्लाएंगे, थोड़ा सा हंगामा करेंगे, पर्पज़ ये होता है शो करना पब्लिक को कि हम देखिए हम तुम्हारे लिए कितने कंसर्न है और हमने देखो पूरे सिस्टम को कस के रख दिया है। एक तब जाते हैं, दूसरा कोई VIP एडमिटेड होता तब जाते हैं। दिस इज इट। इसको छोड़ के कोई कभी रूटीन में जाता है, देखता है? और फिर क्या करते हैं कि टॉयलेट साफ नहीं था, अस्पताल अधीक्षक को डांट लगा दी, और कभी कुछ, अरे वो अस्पताल अधीक्षक जिम्मेदार है क्या उसके लिए? तो आप फंड्स देते हैं क्या? आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते हैं क्या? आप निहायत नारकीय और पैशाचिक स्थिति में एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर काम करता है, एक रेजिडेंट काम करता है, आप कभी जाके उसकी स्थिति देखिए रात को, जहां 10 तरह के पेशेंट लेटे हुए हैं, कोई पेशेंट वहीं बेड पे जिसको पॉटी कराई जा रही है, कहीं ब्लड फैला हुआ है, कहीं पस फैला हुआ है, उसके बीच में वो बेचारा अपनी चाय पी लेता है, उसके बीच में अपना बिस्किट खा लेता है और नौकरी पे लग जाता है, और ड्यूटी आवर्स पता है किसी को? मुंह उठा के बोल दिया कि रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी मत लगाओ नाइट में, 24 और मिनिमम आवर्स की ड्यूटी लगती है, मॉर्निंग राउंड्स करा के जाता है तो 36 घंटे हो जाते हैं कई बार उसको, अगर उसको रिलीव करने वाला नहीं आया तो। आपको पता है सारी हिस्ट्री, सारी फाइंडिंग्स, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्री टेकिंग, सारा काम फर्स्ट ईयर। अगर आपको क्यों आपका सिस्टम रुक जाता है, अगर रेजिडेंट डॉक्टर काम नहीं करें तो क्यों हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो जाता है? क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर ही रीढ़ है, उसी के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। आपके सीनियर डॉक्टर हड़ताल कर दें, चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सिस्टम के अंदर। सिस्टम में इलाज रेजिडेंट डॉक्टर करता है और रेजिडेंट डॉक्टर फुल ब्लोन डॉक्टर होता है, और रेजिडेंट डॉक्टर चूंकि वहां रिसाइड करता है इसलिए उसे रेजिडेंट डॉक्टर कहा जाता है। उसकी जीवन स्थिति, उसकी लाइफ का स्टेटस वहां जाके देखिए, समझिए कैसे बिस्तर हैं जिन पे वो सो रहा है, कई बार तो स्लैब होती है ना पत्थर की, उस पे सोते हैं और वो रात की चलती हुई थड़ी से समोसा या कचौरी लेके खा लेते हैं। यही उनका जो डॉक्टर पूरी जिंदगी बैलेंस डाइट की कहानी सुनाते हैं ना पेशेंट को, वो बेचारे एक समोसा एक कचौरी में अपना पूरा 24 घंटा चलाते हैं। क्या उनको देखें, क्या लगता है कि मतलब सरकार को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए, कैसे इस चीज को मेंटेन करना चाहिए सारी चीजों को? रिफॉर्म्स,
जैसे पुलिस में रिफॉर्म्स की बात होती है, जैसे जुडिशरी में रिफॉर्म्स की बात होती है, हेल्थ केयर सेक्टर में रिफॉर्म्स की जबरदस्त आवश्यकता है। ये फैक्ट है कि आपके किसी भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन में आप कहते हैं 8 घंटे काम नहीं करा सकते, 12 घंटे काम नहीं करा सकते, कोई जाके एक बार चेक कर ले कि रेजिडेंट डॉक्टर कितने काम करते हैं, और फिर आप हमसे मांगते हैं उतनी चुस्ती, उतनी तत्परता, उतनी उससे वो 36 घंटे बाद भी डिसीजन ले पाए। जो आदमी बेचारा सोया भी नहीं है, उसको सोने भी नहीं दिया जाता है, तो भी काम करता है ना वो बिना शिकायत किए। क्यों? क्योंकि ये उसका कमिटमेंट है। और ये किसकी तरफ कमिटमेंट है? प्रोफेशनल कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट उसका अपने डॉक्टर, अपने पेशेंट्स की तरफ होता है, अपने अपने प्रोफेशन की तरफ होता है, जो सैडली ना तो पुलिस में है और पॉलिटिक्स तो मैं क्या ही कहूँ। क्योंकि पुलिस का भी देखा जाए तो ऐसा ही होता है, उनकी ड्यूटी लगती है और फिर बाद में जिस हिसाब से कुछ हो गया, कोई आंदोलन हो गया, तो उनको कंटिन्यू ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि उनका रात का भी नहीं पता होता। जैसे पुनीत, मैं पुलिस के बारे में जब बोल रहा हूँ तो तमाम पुलिस के लिए नहीं बोल रहा हूँ। पहली बात, ऐसा नहीं है कि पुलिस में अच्छे लोग नहीं है। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब हम जानते हैं मैटर इतना सेंसिटिव है, तो यू हैव द बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स देयर, यू हैव टेक्निकली ट्रेंड, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के हार्ड अर्निंग, हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स हैं। ऐसा नहीं है, फोर्स में कमिटेड लोग हैं, इसलिए दुनिया चल भी रही है, इसलिए आज क्राइम को आदमी पुलिस से डरता भी है। बट द पॉइंट इज, इस मैटर में सेंसिटिविटी दिखाते हुए आपको जो करेंट सिनेरियो है और जिन्होंने भी जो कुछ किया है, जो दिख रहा है, कोर्ट आप सुनो, कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं आप सुनिए, वो कलकत्ता हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनिए कि वकील साहब क्या कह रहे हैं। जिनका आपको डाउट है, जिनके ऊपर कि वो एक इन्वेस्टिगेशन को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करेंगे, दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन एनी केस। फाइनली, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि इस केस के कारण जो आम जो पेशेंट हैं वो काफ़ी परेशान हुए हैं, उन तक इलाज पहुंच नहीं पा रहा है। पुनीत, डॉक्टर एक सॉफ्ट टारगेट है, इफेक्ट है। सॉफ्ट टारगेट क्यों है? रिएक्ट नहीं करता है, रिटेलिएट नहीं करता है। RTH के टाइम भी ये हुआ था, पकड़ के कोई भी कानून आप उसके लिए बना दो, और जब वो बेचारा रिटेलिएट करने लगे, रिएक्ट करने लगे, अपनी बात कहने लगे, तो उसके ऊपर एक मॉरल, जिसको बोझ कहते हैं ना, एक 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 बैगेज ऑफ मॉरालिटी एंड कॉन्शियसनेस, वो लेके उसकी खोपड़ी पे डाल दो कि अरे मरीज बीमार हो रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? क्या ये मॉरल जो बोझ जो हमारे सर पे रख रहे हो, क्या ये पुलिस की छाती पे नहीं होना चाहिए? क्या ये सत्ता की छाती पे नहीं होना चाहिए? क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस करंट समाज में सिर्फ डॉक्टर की है कि मरीज को देखते ही बढ़िया से बढ़िया इलाज करेगा, कम से कम जांच कराएगा, कम से कम सस्ती से सस्ती दवाई में उसको ट्रीट कर देगा और फटाफट भला चंगा कर देगा, और 100% डॉक्टर जो है और 100% जो भी व्यक्ति है, पुरुष स्त्री, हर वक्त वो आपको अवेलेबल मिलेंगे, और उनसे जब काम करने को कहा जाएगा वो काम करेंगे, और उनको ना भी कहने का अलाउड नहीं है, और उनको हर स्थिति में हर मरीज को देखना, ये सारी जितनी आपके नियम कायदे और जो सो कॉल्ड यूटोपिया है और जो आदर्श स्थिति है, वो सारी सिर्फ डॉक्टर्स के लिए और किसी के लिए भी नहीं है। समाज जो है वो सिर्फ डॉक्टर से अपेक्षा रख सकता है, वो सुरक्षा तंत्र से नहीं रख सकता है, सत्ता तंत्र से नहीं रख सकता है। मतलब ये हो क्या रहा? आप वन साइडेड फायरिंग कर रहे हो डॉक्टर्स के ऊपर। दूसरी बात, ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर उसी समाज का हिस्सा है जिस समाज का बाकी लोग हिस्सा है, तो इस वजह से आपको उनको सहूलियत देनी पड़ेगी, उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। ये तो फंडामेंटल चीज है, आपको उनको, ये मूल बातें हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं एक आदमी से 36 घंटे 48 घंटे काम कराऊंगा, उसको हर तरह से उससे काम लिया जाएगा, और फिर बाद में उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तू कुछ मांग भी मत, मतलब किसी को, ये तो ऐसा हुआ किसी को कोड़ा मारा और उससे कहो तू चीख भी मत। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो महिला रेजिडेंट डॉक्टर है उनके लिए आपके क्या विचार हैं? उनको मेरी एक छोटी सी सलाह है, क्योंकि सच ये है कि सिस्टम में सब तरफ भेड़िए हैं, ये सच है, सबसे बड़ा नरभक्षी भेड़िए हैं जो आपकी गर्दन में कभी भी दांत गड़ा सकते हैं। तो पहला जंगल का रूल होता है, झुंड में रहो। कल मेरा बेटा, वो भी डॉक्टर बन रहा है, तो वो मुझे बात कर रहा था, मुझे बात अच्छी लगी इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इट्स कमिंग फ्रॉम अनदर मेडिकल स्टूडेंट। तो झुंड में रहो, मतलब महिला रेजिडेंट डॉक्टर जब भी ड्यूटी करें तो वो साथ में रहें। इसको भी जो हमारी डॉक्टर गई हैं उनको भी अकेला छोड़ा गया, तो ये सब घटना हुई, तो एक तो जब अनसेफ एरिया में अकेली नाइट ड्यूटीज़ करती हैं तो साथ रहें, पहला तो जितना हो सके कोशिश करके साथ रहें, जा रही रेस्ट रूम्स में या कहीं भी ड्यूटी रूम्स में जा रही, तो साथ रहें, कम से कम दो साथ में रहें महिला रेजिडेंट डॉक्टर, पहली चीज़ है।
दूसरा वो सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर नहीं, दूसरी सलाह तो मेरी हर महिला के लिए है, क्योंकि हर महिला बेसिकली चूंकि इतना नैतिक पतन हो चुका है तो हर महिला वल्नरेबल है, तो हैव समथिंग ऑन योर पर्सन, जिसका अर्थ किसी फॉर्मेट में कोई ना कोई सेल्फ प्रोटेक्शन सेल्फ डिफेंस डिवाइस, किसी भी फॉर्म में कोई टैक्टिकल पैन, कोई कोई छोटा नाइफ जो भी है वो आपको अपने साथ रखना चाहिए, कोई पेपर स्प्रे कंपल्सरीली आपको साथ रखना चाहिए। और डॉक्टर्स हैं तो वो तो जानते हैं कि शरीर पे मर्म स्थल क्या होते हैं, तो उनको कभी भी इसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर उनको लगता है उनको थ्रेट टू लाइफ हो रहा है किसी भी फॉर्म में, सो दे शुड बी रेडी टू, क्योंकि क्या होता है प्रॉब्लम क्या है, हमारी ट्रेनिंग क्या है, हमारी ट्रेनिंग ये है, जैसे एक एक, एक आर्मी वाले की ट्रेनिंग होती है वो कॉम्बैट की ट्रेनिंग होती है, हमारी ट्रेनिंग दूसरे व्यक्ति को मदद करने की, हमारी ट्रेनिंग दूसरे के पीड़ा को समझने की, हमारी ट्रेनिंग उसका इलाज करने की है, हमारी ट्रेनिंग ये है ही नहीं कि हम किसी को वापस मारें। तो लेकिन लेकिन अभी वो समय आ गया है क्योंकि नए बच्चे हैं, सब कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, आजकल तो इंटरनेट और है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो उनको सबको ये समझना चाहिए कि दे मस्ट हैव समथिंग ऑन देयर पर्सन फॉर सेल्फ डिफेंस एंड दे शुड बी रेडी टू हिट बैक एट वाइटल पॉइंट्स इफ दे थिंक दे आर अटैक्ड, देयर मॉडेस्टी और देयर लाइफ इज इन डेंजर, दे मस्ट डू। बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे साथ थे डॉक्टर तुषार जी, जिन्होंने ये जितनी भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की समस्याएं उन पर बात की हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तुषार जी आपका।